हेलो फ्रेंड्स, डेप्रिसिएशन के ऊपर एक और न्यूमेरिकल केस स्टडी हम डिस्कस करने वाले हैं। अभी का आपका पहला क्वेश्चन है, एबीसी लिमिटेड परचेसेस मशीन एट ए कॉस्ट ऑफ 1,60,000। तो एक एबीसी कंपनी है जिसने एक मशीन परचेस किया है और उस मशीन का कॉस्ट है 1,60,000। दिस असेट इज एक्सपेक्टेड टू हैव अ यूजफुल लाइफ ऑफ 5 ईयर्स। ऐसा माना जा रहा है कि ये जो 1,60,000 की मशीन एबीसी लिमिटेड ने परचेस किया है उसका यूजफुल लाइफ 5 साल रहेगा, यानी 5 साल तक वो उसको यूज़ कर सकते हैं। एट विच टाइम इट विल बी सोल्ड फॉर 10,000। उसके बाद यानी 5 साल पूरे हो जाने के बाद ये 1,60,000 का मशीन 10,000 रुपये में बेच दिया जाएगा। यूजिंग SYD, SYD का फुल फॉर्म होगा आपका स्ट्रेट सम ऑफ ईयर डिजिट मैथड। एक स्ट्रेट लाइन मेथड और दूसरा है, उसमें भी हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। ये आपका सम ऑफ ईयर्स डिजिट मेथड। तो सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड की हेल्प से आपको डेफिनेशन जो मेथड है सम ऑफ ईयर ऑफ डिजिट्स, उस मेथड से आपको डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है फर्स्ट ईयर का। ठीक है, हमें डेटा समझ में आया है कि मशीन जिसका कीमत 1,60,000 है और 5 साल तक उसको हम यूज़ कर सकते हैं, 5 साल के बाद ये मशीन 10,000, यानी इसका आप बोलिए कि सैलवेज या रेजिडुअल वैल्यू। रेजिडुअल वैल्यू होता है कि मशीन का टाइम पूरा हो गया है, उसके बाद भी उस मशीन को आप मान लीजिए किसी कबाड़ी वाले को आप बेच रहे हैं या कोई भी लोहे वाले को आप बेच रहे हैं जो कि लोहे का कोई सामान बना रहा है, आपकी मशीन लोहे की है, तो यानी उसको उस पर्पज़ के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा क्योंकि मशीन मान लीजिए लोहे की, तो उस पर्पज़ से उसको खरीदेगा वो। ठीक है, 10,000 का तो वो उसकी कीमत हो गई। तो बोल रहा है कि सम ऑफ ईयर डिजिट की हेल्प से आपको बताना है कि पहले साल का उसका डेप्रिसिएशन कितना है। तो इस तरीके का जो मेथड होता है हमारा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, इसमें क्या किया जाता है, जितने भी आपके साल होते हैं, कितने साल का आपकी मशीन का लाइफ है वो है 5 साल। तो 5 साल को हम क्या करते हैं, उल्टा लिखते चलते हैं। तो 5 को ऐसे लिखेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से इसको अपोजिट डायरेक्शन में हम लोग लिखते चलेंगे। सो ये यहाँ पे मैंने सीधा ही लिखा हुआ है, लेकिन इसको आपको करना है अपोजिट लिखना है, 5, 4, 3, 2, 1। अगर मान लीजिए 10 साल होता तो हम कैसे लिखते, 10 + 9 + 8 + 7, ऐसे करते आप 1 तक पहुँच जाते। अगर 6 साल होता तो 6 + 5 + 4, यानी उसको आपको उल्टा काउंटिंग लिखना है, जैसे यहाँ पे लिखा है। देखिए, अगर आप 5, 4, 3, 2, 1 इन सबको लिख लेते हैं तो आप इन सबको ऐड करेंगे, तो 5 में 4 ऐड करेंगे 9 आ जाएगा, 9 में 3 ऐड करेंगे 12 और 2 13, 12 और 2 इन सबको आप ऐड करेंगे, 5 और 4 9, 9 और 3 12, 12 में 2 ऐड करेंगे 14, 14 और 1 15, यानी टोटल 15 हो गया। तो ये जो 15 है इन सबको ऐड करके ये हमारा डिनोमिनेटर होगा। ठीक है, किसके लिए डिनोमिनेटर होगा, ये हमारे फ्रैक्शंस के लिए। और फ्रैक्शन मैंने कहा था आपको उल्टा लिखना है, उल्टा यानी कि 5, 4, 3, 2, 1। इससे क्या होगा, जो 5 बाय, जैसे हमने 15 देखा टोटल सम आया, तो 15 हमारे डिनोमिनेटर में रहेगा। तो सभी के हमें 5 फ्रैक्शंस बनाने, क्योंकि 5 साल है इसलिए हमें 5 फ्रैक्शंस बनाने हैं और वो अपोजिट रहेंगे, 5, 4, 3, 2, 1, और सबके डिनोमिनेटर में एक ही चीज़ है जो कि कॉमन है, वो है 15, यानी इन सबका सम। 5, 4, 3, 2, 1 का सम आएगा 15, तो सबके डिनोमिनेटर में हमें 15 लिखना है। ठीक है, तो 5 / 15, 4 / 15, 3 / 15, 2 / 15 और 1 / 15। तो ये आपका 5 / 15, ये पहले साल का फ्रैक्शन हो जाएगा डेप्रिसिएशन की कैलकुलेशन के लिए। 4 / 15 आपका होगा दूसरे साल का फ्रैक्शन डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए। पर इस क्वेश्चन में हमें सिर्फ पहले ईयर का पूछा, तो हम सिर्फ 5/15 ही लेंगे। ठीक है, वही लिखा है ना, फॉर फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड सो ऑन, तो उसके फ्रैक्शन हो गए। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन होगा 5 / 15। अभी 1,50,000 कैसा है, देखिए 1,60,000 का तो मशीन था, 10,000 उसको बेचने के मतलब उसका टाइम पूरा हो जाने के बाद, यानी 5 साल पूरे हो जाने के बाद भी इसका जो है 10,000 वैल्यू बच जाएगा, किसका, मशीन का। तो 1,60,000 में से अगर हम 10,000 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, 1,50,000। इसको हम ऐसे बोल सकते हैं, इट मीन्स द टोटल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन विल बी 1,50,000। क्यों 1,50,000, क्यों डेप्रिसिएशन हुआ, डेप्रिसिएशन का मतलब क्या है, चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है टाइम के साथ, उसी को बोला जाता है डेप्रिसिएशन। जैसे मैंने अभी एक मोबाइल फ़ोन परचेज़ किया, मान लीजिए जिसका कीमत है 30,000, और अगर मैं 4 या 5 साल बाद उस मोबाइल फ़ोन को किसी को बेचना चाहूँगी, तो क्योंकि मैंने 5 साल पहले उसको 30,000 का ख़रीदा, इसका ये मतलब नहीं है कि जिसको मैं बेचूंगी उसको भी मैं 30,000 में बेचूंगी। क्यों, क्योंकि उसका डेप्रिसिएशन हो गया, वियर और टियर यानी टाइम के यूसेज के साथ चीज़ों की वैल्यू कम हो जाती है, और वैल्यू कम होने का रीज़न होता है डेप्रिसिएशन। तो मेरा 30,000 का मोबाइल सिर्फ मुझे 5,000 में ही कोई खरीदने को तैयार होगा 5 साल बाद, तो 30,000 की चीज़ 5,000 में रह गई, इसका मतलब 30,000 में से 5,000 हम माइनस करेंगे तो बचेगा 25,000। तो 25,000 रुपये का क्या हो गया, मुझे डेप्रिसिएशन हो गया। तो इसीलिए यहाँ पे भी वही 1,50,000 किया, कि 1,60,000 का तो मशीन था,
लेकिन सेल्वेज वैल्यू यानी अगर उसको हम बेच भी रहे हैं तो 10,000 मुझे फिर भी मिल रहे हैं, तो 1,60,000 में से जो वैल्यू है वो सिर्फ 10,000 रह गए, यानी 1,60,000 माइनस 10,000 जो कि आएगा 1,50,000, यानी 1,50,000 का मुझे डेप्रिसिएशन हुआ है। और हम क्या कैलकुलेट कर रहे हैं इसमें, डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट कर रहे हैं, तो 1,50,000 में हम कैलकुलेट करेंगे। तो हमेशा आपको यही करना होता है, जो भी उसका कॉस्ट होता है उसमें से कोई भी अगर उसकी वैल्यू बच जाती है, कोई भी सर्वेज वैल्यू बोलिए या कोई रेजिडुअल वैल्यू बोलिए, कुछ भी वैल्यू बच जाती है, तो जब भी हम फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करते हैं अपनी वैल्यू को तो उनको माइनस करके करते हैं। तो 1,60,000 में से 10,000 गया 1,50,000, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि 1,50,000 का ही मुझे डेप्रिसिएशन हुआ है। जैसे मैंने मोबाइल का आपको एग्जाम्पल दिया कि मेरा 30,000 का मोबाइल 5,000 में ही अब मैं बेच पा रही हूँ 5 साल बाद, तो 30 में से 5 यानी 25,000 का मुझे डेप्रिसिएशन हुआ है। तो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट किस में करेंगे, उस 25,000 में ही करेंगे, ना कि 30,000 में। सेम चीज़ यहाँ पे है, 1,60,000 की मशीन थी और 10,000 में वो अभी बेची गई है, तो 1,60,000 में से 10 माइनस करेंगे तो 1,50,000 ही मेरा वैल्यू आएगा, यानी डेप्रिसिएशन मुझे 1,50,000 का ही हुआ है। और 10,000 का मुझे वापस मिल गए, मैंने उसको बेचा और मुझे 10,000 मिल गए, तो 1,50,000 का ही उसको डेप्रिसिएशन हुआ। तो हम कैलकुलेट किस में करेंगे, 1,50,000 में ही कैलकुलेट करेंगे। तो पहले साल के लिए क्या आ गया, 5/15, तो 5/15 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000 आप करेंगे तो 15 सबका 15 कैंसिल हो गया, ये आपका आ जाएगा 10,000, और 5 से इसकी मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 50,000। अगर इसकी एंट्री करनी है तो ऐसे की जाएगी, आप अगर आप अपनी बुक में इसकी एंट्री कर रहे हैं अपनी मशीन की, तो जो 50,000 है वो आपका डेप्रिसिएशन एक्सपेंस में से डेबिट हो जाएगा, और वही 50,000 क्रेडिट होगा कहाँ पे, आपका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में। ठीक है, ये एंट्रीज इसमें नहीं है, ये सिर्फ हम डेप्रिसिएशन का न्यूमेरिकल्स कर रहे हैं, पर फिर भी मैंने आपको एक एंट्री यहाँ बताया कि किस तरह से एंट्री की जाती है, कि 50,000 आपका डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस हुआ है, यानी 50,000 का आपको खर्चा हो गया। खर्चा मतलब डायरेक्टली नहीं हुआ, जैसे मैंने बताया 30,000 का मोबाइल 5,000, तो 25,000 क्या हमारे खर्च हुए, हम उसको खर्च नहीं बोलेंगे, हम बोलेंगे उसकी वैल्यू यूजेस के साथ, यूज करने के साथ साथ वियर और टियर की वजह से कम हो गई है, वही चीज़ यहाँ है। उसको एक टर्म दिया जाएगा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस, की डेप्रिसिएशन की वजह से वो एक्सपेंस है कितने का, 50,000 का, और वही 50,000 रुपये हमें क्रेडिट करना होगा क्योंकि हमने अपनी एंट्री में डेबिट किया, तो क्रेडिट भी हमें शो करना पड़ेगा। तो उसी 50,000 को हम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कि हमारा जो डेप्रिसिएशन वो इकट्ठा होकर इतना 50,000 बन गया। ठीक है, पहले 0 था, अभी 50,000 हो गया 1 साल के बाद। तो पहले साल का डेप्रिसिएशन कितना आया, 50,000, तो 50,000 आपका हो गया करेक्ट आंसर। सेम यही क्वेश्चन है, अब आपको उसमें पूछा है कि यूजिंग स्टे सम ऑफ योर डिजिट मेथड, डेप्रिसिएशन मेथड, आपको सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अभी हमने पहले साल का डेप्रिसिएशन देखा, इसी तरह से हमें सेकेंड ईयर का देखना होगा। तो मैंने आपको कहा था कि ये फ्रैक्शन हमें यूज करना पड़ेगा, उल्टा लिखना है ना, 5, 4, 3, 2, 1, तो उसमें से जो 5 है, 5 वाला फ्रैक्शन पहले साल के लिए होगा, जो दूसरा फ्रैक्शन है 4 वो दूसरे साल के लिए होगा, ये जो 3 है ये तीसरे साल के लिए होगा, ये जो 2 है ये चौथे साल के लिए, और ये 1 है 5वें साल के लिए। तो अभी इस क्वेश्चन में हमें पूछा है कि दूसरे साल का, तो दूसरे साल के लिए हम ये दूसरे वाला फ्रैक्शन यूज करेंगे, यानी कि 4। और जो भी आपको नंबर दिया होगा कि इतने साल के लिए आप यूज कर सकते हैं, तो उसको आपको उल्टा लिखना पड़ेगा। जैसे यहाँ 5 था तो उल्टा कैसे लिखा, 5, 4, 3, 2, 1। अगर यहाँ पे 6 होता तो हम लिखते 6, 5, 4, 3, 2, 1। अगर 8 होता तो 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, इस तरह से हम उसको लिखते, क्योंकि यहाँ सिर्फ 5 है। तो 5/15 पहले साल का डेप्रिसिएशन जो कि हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सॉल्व किया 5/15। अब हमें दूसरे साल सेकेंड ईयर का डेप्रिसिएशन इसमें पूछा है, तो हम क्या करेंगे, 4/15 यूज करेंगे, और ये सेम टू सेम पहले क्वेश्चन की तरह ही, 4/15 मल्टीप्लाई बाय जो डेप्रिसिएशन हमारा अमाउंट था कितना था, 1,60,000 का खरीदा और 10,000 में हमने उसको बेच दिया, तो 1,60,000 में से अगर हम 10,000 माइनस करते हैं, या ये बोलिए 10,000 उसका रेजिडुअल वैल्यू, रेजिडुअल यानी अब मुझे 1,60,000 की चीज़ सिर्फ 10,000 में बेचनी पड़ गई, तो यानी मेरे को 1,50,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, तो टोटल डेप्रिसिएशन मुझे 5 साल में हुआ है 1,50,000 का। तो वही हम कैलकुलेट कर रहे हैं चौथे साल के लिए, तो 4/15 मल्टीप्लाई बाय 1,50,000, कुछ नहीं करना, 15 को आप 1,15,000 से आप डिवाइड करेंगे, क्योंकि ये 4/15 है, तो आपका आ जाएगा 10,000, 10,000 को आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 40,000। तो दूसरे साल कितना डेप्रिसिएशन हुआ, 40,000 का डेप्रिसिएशन हुआ। ठीक है, ये हमारा सम ऑफ योर डिजिट मेथड की वजह से है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3, एबीसी, सेम वही क्वेश्चन है, इसमें वही बोला है कि सम ऑफ योर डिजिट मेथड से आपको बताना है तीसरे साल का डेप्रिसिएशन। अब तीसरे साल के लिए हम कौन सा फ्रैक्शन यूज करेंगे, हम अपना अगला फ्रैक्शन यूज करेंगे तीसरे साल के लिए, अगला फ्रैक्शन क्या है, 3/15, तो वही किया, 3/15 डिवाइडेड बाय 1 लाख, सॉरी मल्टीप्लाई बाय 1 लाख, सो 3/15 को अगर हम 1,50,000 से मल्टीप्लाई करते हैं, वही हमारा डेप्रिसिएशन अमाउंट सेम है 1,50,000, तो आपका कितना आ जाएगा, 15 से 1,50,000 10,000, और उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 30,000, तो तीसरे साल का डेप्रिसिएशन कितना हो गया, 30,000। आपने नोट किया होगा इससे पहले दूसरे साल का था 40,000,
उससे पहले साल का था 50 हज़ार। तो ये जो आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड है, इसमें जो स्टार्टिंग के ईयर्स होते हैं, मतलब जैसे पहला साल दूसरा साल, उसमें ज़्यादा अमाउंट का डेप्रिसिएशन होता है, और जैसे जैसे साल कम होते जाते हैं उतने कम का डेप्रिसिएशन होता है। जैसे पहले साल 50 हज़ार का डेप्रिसिएशन हुआ, फिर हमने दूसरे साल का कैलकुलेट किया तो 40 हज़ार का हुआ, फिर अभी हमने तीसरे साल का कैलकुलेट किया तो कितना 30 हज़ार का हुआ। तो आपने देखा 50, फिर 40, फिर 30, यानी सम ऑफ योर डिजिट मेथड में क्या नोट किया जा, क्या नोट करना है आपको कि जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है वो टाइम के साथ साथ कम होता जाता है। स्टार्टिंग में ज़्यादा डेप्रिसिएशन अमाउंट होता है और धीरे धीरे टाइम बढ़ने के साथ वो डेप्रेशन अमाउंट कम होता जाता है, ठीक है। और एक होता है ऐसे हमारा रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, उसमें भी जो है डेप्रेशन का अमाउंट चेंज होता है, लेकिन सिर्फ एक आपका मेथड है जो कि हमारा स्ट्रेट लाइन मेथड है। उसमें डेप्रेशन आप चाहे 5 साल बोलिए, 10 साल या 15 साल, जितने भी साल का यूजफुल लाइफ रहेगा, हर साल इक्वल डेप्रेशन रहता है। किसमें? सम ऑफ सॉरी स्ट्रेट लाइन मेथड में। लेकिन सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में क्या है, वैल्यू कम होती जाती है, यानी हर साल अलग अलग अमाउंट का डेप्रेशन होता है। ऐसे एक रिटर्न डाउन मेथड है, वो भी हमने देखा है। उसमें आपका क्या होता है, उसमें भी डेप्रेशन क्या होता है, टाइम के साथ चेंज होता है, लेकिन सिर्फ एक आपका स्ट्रेट लाइन मेथड है जिसमें हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रेशन होता है, ठीक है। तीसरा हो गया, चौथा देख लेते हैं। इसमें वही क्वेश्चन है सेम टू सेम, बस इसमें बोला है कि आपको उसी सम ऑफ योर डिजिट मेथड के आपसे चौथे साल का डेप्रेशन निकालना है। तो चौथे साल के लिए कौन सा फ्रैक्शन यूज करेंगे? 5/15 पहले साल का, 4/15 दूसरे का, 3/15 तीसरे का, चौथे साल का 2/15। तो हम ये 2/15 वाला फ्रैक्शन यूज करेंगे, 2/15। और कितना कितना डेप्रेशन हुआ, 1,60,000 कीमत था, 10,000 हमें मिला, तो 1,50,000 का टोटल डेप्रेशन हुआ। तो टोटल डेप्रेशन कितने का हुआ, 1,50,000 का। तो हम 15 से 1,50,000 को डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000, और 10 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20,000। तो दूसरे साल में सॉरी चौथे साल में 20,000 का डेप्रेशन। देखिए टाइम बढ़ने के साथ साथ डेप्रेशन अमाउंट कम होता जा रहा है, ठीक है। तीसरे साल 30 था, दूसरे साल सिर्फ 20,000 का हुआ है, सॉरी चौथे साल 20,000 का हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पांचवा, इसमें फिफ्थ ईयर का पूछा है। कैसे करेंगे, नेक्स्ट फ्रैक्शन यूज करेंगे। पहले साल का 5/15, फिर 4, फिर 3, फिर 2। अब हमें पांचवें साल का निकालना है, हम अपना लास्ट फ्रैक्शन यूज करेंगे जो कि 1/15। तो 1/15 और डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना है, 1,60,000 का कीमत, 10,000 में हमने उसको बेचा, सो 1,60,000 - 10 यानी 1,50,000। 15 को 1,50,000 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 10,000। तो पांचवें साल में सिर्फ 10,000 रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ। इन सभी को एक बार आप ऐड करके देखिए, 50,000 में आप 40,000 ऐड कीजिए कितना हो गया, 90,000। 90,000 में 30,000 ऐड कीजिए कितना हो गया, 1,20,000। 1,20,000 में आप 20,000 ऐड कीजिए, 1,40,000, और लास्ट का 10,000 ऐड कीजिए, 1,50,000। तो 1,50,000 का जो डेप्रिसिएशन हुआ है 5 सालों में इस तरह से हुआ, ठीक है। हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट हुआ, वैल्यू कम हुआ, और कैसे कैसे कम हुआ वो हमने कैलकुलेशन के हिसाब से देखा कि पहले साल सबसे ज्यादा यानी 50,000 का हुआ, और लास्ट साल सबसे कम डेप्रिसिएशन यानी सिर्फ 10,000 का हुआ। इन 5 साल के डेप्रिसिएशन को अगर हम ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा 1,50,000, और 1,50,000 का तो डेप्रिसिएशन हो गया। 1,60,000 की जो हमने मशीन खरीदी, 1,50,000 का 5 सालों में डेप्रिसिएशन हो गया, कितना बचा उसका कीमत, सिर्फ 10,000 बचा। वही हमने उसको बेचा तो हमारे पास 10,000 रुपये आ गए, ठीक है। इस हिसाब से हमारा 1,60,000 का हिसाब पूरा हो गया, ठीक है। ये वाला आपका सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड SYD रहेगा या लिखा रहेगा सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड, उस हिसाब से आपको डेप्रिसिएशन इस तरह से कैलकुलेट करना होता है। ये इजी मेथड है, पर डेप्रिसिएशन के 3 मेथड है जो कि पूछे जाते हैं, और सम ऑफ ईयर डिजिट के ऊपर हमने क्वेश्चन देख लिए। नेक्स्ट एक क्वेश्चन एक दूसरे मेथड पे देखते हैं, वो है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड। मैंने अभी आपको कहा था कि जो इसी में सम ऑफ ईयर डिजिट में, कि सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड में हर साल कुछ ना कुछ डेप्रिशिएट होता है, और शुरुआत के ईयर में स्टार्टिंग के ईयर्स में ज़्यादा अमाउंट का डेप्रिशिएशन होता है, और जैसे जैसे टाइम बीतता जाता है डेप्रिशिएशन अमाउंट कम होता है। जैसे कि हमने देखा पहले साल में 50,000 का, और पाँचवें साल में सिर्फ 10,000 का डेप्रिशिएशन हुआ था। लेकिन अगर हम बात करें स्ट्रेट लाइन मेथड की, स्ट्रेट लाइन सीधी लाइन में चलना है स्ट्रेट लाइन, तो उसमें क्या रहेगा कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन होता है, चाहे मशीन का लाइफ 10 साल हो, 15 साल हो, 20 साल हो या 25 साल हो, हर साल जो डेप्रिसिएशन अमाउंट है उसको इक्वल बांटा जाता है, इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन होता है। इसीलिए जो स्ट्रेट लाइन है इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करना बहुत ईजी, सबसे ईजिएस्ट मेथड। आपके डेप्रिसिएशन के 3 मेथड होते हैं, एक का स्ट्रेट लाइन सम ऑफ योर डिजिट मेथड जो कि मैंने अभी देखा था, सम ऑफ योर डिजिट मेथड, एक होता है स्ट्रेट लाइन जो हम अभी देखेंगे, और इससे पहले हमने एक मेथड देखा था रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ठीक है। ये 3 मेथड है, इन तीनों में से सबसे इजिएस्ट मेथड है डेप्रेशन कैलकुलेट का वो है स्ट्रेट लाइन मेथड। क्यों? क्योंकि इसमें हर साल डेप्रेशन कैलकुलेट करना पड़ता है वो इक्वल रहता है, इसमें हर साल का कोई टेंशन नहीं। अगर मैं बोलूँ पहले साल कितना डेप्रेशन हुआ, या मैं बोलूँ 15 साल कितना डेप्रेशन हुआ, तो हर साल डेप्रेशन का जो अमाउंट है वो इक्वल रहता है, हर साल बराबर अमाउंट का डेप्रेशन होता है इस स्ट्रेट लाइन मेथड से। अब क्वेश्चन भी रीड कर लेते हैं।
इसमें बोला है एक्स वाई जेड लिमिटेड परचेज अ न्यू मशीन फॉर 50,000 ऑन जनवरी। तो एक कंपनी है एक्स वाई जेड लिमिटेड, उन्होंने एक नई मशीन परचेज की है। कितना कीमत है मशीन का? 50,000 रुपये। 50,000 रुपये दिए और उनको एक नई मशीन मिली है। कब परचेज किया? 1 जनवरी 2022, 1 जनवरी 2022 में एक नई मशीन परचेज की गई है। एंड स्पेंड 10,000 ऑन इट्स ओवरहॉल एंड इंस्टॉलेशन बिफोर पुटिंग इट इन टू ऑपरेशन। तो इस मशीन को इस्तेमाल करने से पहले उसको इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है। जैसे हम कुछ भी फ्रिज कुछ खरीदते हैं, टीवी, तो उसको इंस्टॉलेशन कराना पड़ता है, वैसे ही इस मशीन को भी इंस्टॉल कराया गया। और इंस्टॉलेशन का जो चार्ज है कितना लग गया? 10,000 रुपये लग गए। ठीक है, 50,000 की मशीन और 10,000 उसके इंस्टॉलेशन पे हमारे खर्च हो गए। तो देखा जाए तो टोटल कॉस्ट हमें कितनी पड़ी मशीन की? 50,000 की मशीन प्लस 10,000 का इंस्टॉलेशन, तो हमें 60,000 की मशीन पड़ी। अगर हम कॉस्ट की बात करना चाहें मशीन की तो कितनी होगी? 60,000। नेक्स्ट है, इट इज़ एक्सपेक्टेड दैट द मशीन कैन बी सोल्ड फॉर 6,000। ऐसा एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि ये जो मशीन है इट कैन बी सोल्ड फॉर 6,000 एट द एंड ऑफ इट्स यूजफुल लाइफ। मतलब ऐसा माना जा रहा है कि इस ये जो मशीन का जो यूजफुल लाइफ है वो 10 साल का है, तो 10 साल के बाद इस मशीन को 6,000 रुपये में बेच दिया जाएगा। मोर ओवर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड टू रिकवर द सर्वेज वैल्यू ऑफ 6,000। लेकिन ये जो 6,000 रुपये, ये एक तरह का सर्वेज वैल्यू, सर्वेज मानी रेजिडुअल वैल्यू एक तरीके का। तो इस वैल्यू को अगर आप 6,000 में बेचना भी चाहेंगे 10 सालों बाद, लेकिन आपको 1,000 का खर्च हो जाएगा, ऐसा एस्टिमेशन माना जा रहा है। ठीक है, इतने 1,000 का खर्च हो जाएगा और 1,000 रुपये खर्च करने के बाद आपको इसका जो सेल्वेज वैल्यू मिलेगा वो मिलेगा 6,000 रुपये का। अब पूछा है कैलकुलेट ईयरली डेप्रिसिएशन यूजिंग स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। इससे पहले क्या था? सम ऑफ ईयर डिजिट मेथड। इसमें पूछा है स्ट्रेट लाइन मेथड। ठीक है, तो स्ट्रेट लाइन के मेथड से बताइए कि हर साल का कितना डेप्रिसिएशन हुआ होगा। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि स्ट्रेट लाइन मेथड में हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रिसिएशन होता है, तो इसलिए हमने एक ही क्वेश्चन रखा है, इसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन रखे नहीं। क्योंकि अगर मैं बोलती पहले साल कितना डेप्रिसिएशन होगा, या मैं बोलती कि 9वें साल कितना होगा या 7वें साल कितना होगा, हर साल डेप्रिसिएशन का अमाउंट इक्वल है। तो इसलिए मैंने एक टर्म यूज़ किया ईयरली डेप्रिसिएशन, मतलब कितने साल का, साल में कितने कितना रुपये का इसमें डेप्रिसिएशन होगा। ठीक है, स्ट्रेट लाइन मेथड से। अकाउंट्स आर क्लोज ऑन 31 दिसंबर एवरी ईयर। तो वही है, 1 जनवरी को लिया और माना जा रहा है कि 31 दिसंबर को हर साल के एंड में अकाउंट इस से क्लोज किया जाता है, कंपनी अपना अकाउंट क्लोज करती है। तो डेटा हमने सारा रीड कर लिया, अब हम इसकी वैल्यू पे आते हैं। हमने मशीन खरीदा कितने का? 50,000 का, और 10,000 हमने इसका इंस्टॉलेशन के ऊपर खर्चा किया। तो 50,000 प्लस 10,000 कितना हो गया कॉस्ट हमारे एसेट का? 50,000 प्लस 10 यानी 60,000। तो 60,000 में ये मशीन हमने खरीदी है। खरीदने के लिए तो 50,000 देने पड़े, पर इंस्टॉलेशन का 10,000 भी तो हमने पे किया। अगर मशीन नहीं आती तो हम इंस्टॉलेशन क्यों पे करते? नहीं करते तो हम मानेंगे कि जो 10,000 रुपये मशीन को इंस्टॉल करने के लिए हमने पे किए तो वो भी उसकी हम कॉस्ट ही मान के चलते हैं, क्योंकि इंस्टॉल तभी तो कराया क्योंकि हमने मशीन खरीदी। अगर हम मशीन नहीं खरीदते तो हमें इंस्टॉलेशन का भी खर्चा नहीं उठाना पड़ता। इसीलिए 50,000 प्लस उसका इंस्टॉलेशन का खर्चा 10,000, ये टोटल उसकी कॉस्ट हो जाएगी। 50 प्लस 10 यानी 60,000। तो 60,000 हो गया हमारा कॉस्ट ऑफ मशीन। अब उसकी नेट रेजिडुअल वैल्यू पे चलते हैं। नेट रेजिडुअल वैल्यू क्या होता है कि जो उसकी सेल्वेज वैल्यू है, यानी टाइम पूरा होने के बाद, यानी 10 सालों के बाद ये मशीन हम 6,000 में तो बेचेंगे जो कि सेल्वेज वैल्यू, लेकिन वो 6,000 रुपये हमें तब मिलेंगे जब हम 1,000 रुपये खर्च करेंगे। वही लिखा है ना कि हम 6,000 रुपये हमें इसकी वैल्यू मिल सकती है 10 सालों के बाद। मोर ओवर एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 1,000, कॉस्ट ऑफ 1,000 इज एक्सपेक्टेड टू बी इनकर्ड टू रिकवर द सेल्वेज। तो 6,000 रुपये लाने के लिए आपको 1,000 का खर्चा देना पड़ेगा। ये 1,000 का खर्चा कैसे हो सकता है? ये ऐसे हो सकता है, मान लीजिए कि 10 साल हो गए और वो मशीन अब तो कुछ उसका कोई वैल्यू नहीं है, उसको एज अ मशीन नहीं, उस मशीन के अंदर जो आयरन है, लोहा है, उसकी वजह से आपने किसी ऐसे कबाड़ी वाले को दे दिया कि ये जो लोहा है, पर उस कबाड़ी वाले ने बोला कि नहीं मैं लेने के लिए नहीं आऊँगा, आप मेरी दुकान पर उसको पहुँचा दीजिए। तो आपने कुछ भी मान लीजिए रिक्शा या कोई ऑटो ऐसा बुक किया, कोई भी ऐसा छोटा ट्रक आप बोल लीजिए, और उस ट्रक वाले ने बोला, मिनी ट्रक, उसने बोला कि आप इसको दुकान तक पहुंचाना चाहते हैं, उस कबाड़ी वाले की दुकान तक, तो उसके लिए मैं 1,000 रुपये लूंगा। तो ये 6,000 रुपये आपको तब मिलेंगे जब आप 1,000 रुपये उस मिनी ट्रक या जो भी आपका ऑटो वाला आप बोलिए उसको आपने दिए। ठीक है, तो मिनी ट्रक वाले को दिए, तो 1,000 रुपये आपका खर्च हुआ, तो उसकी वजह से आपको जो 6,000 का सालवेज वो आपको मिला। ठीक है, तो 1,000 देने की वजह से हमें वो 6,000 रुपये मिले। तो अगर मैं उसकी नेट रेजिडुअल वैल्यू बोलूँ तो कितना होगा? सेल्वेज वैल्यू यानी 6,000 रुपये हमें उस दुकान वाले ने दिए, उस कबाड़ की दुकान वाले ने दिए, और लेकिन हमारे को जो एक्सपेंस देना पड़ा, जो मिनी ट्रक को हमने जो दिया 1,000 रुपये, तो वो एक्सपेंस हो गया। तो हमारा बचा कितना, हमारे पास कितना हमारी पॉकेट में बचा? तो 6,000 हमें दिए, पर उस 6,000 में से 1,000 हमें ऑटो या मिनी ट्रक वाले को देने पड़े, तो 6 में से 1,000 आप माइनस करेंगे कितना आ गया? 5,000। तो 5,000 हमारा एक रेजिडुअल वैल्यू, नेट रेजिडुअल वैल्यू कितना है? 5,000। तो ठीक है, 60,000 हमें कॉस्ट पड़ी मशीन की और 5,000 हमें उसकी वैल्यू मिलेगी। कब मिलेगी?
मतलब 10 सालों के बाद 5,000 का वैल्यू मिला, तो डेप्रिसिएशन अमाउंट कितना हुआ? डेप्रिसिएशन अमाउंट किसको बोला जाता है कि जैसे मैंने आपको मोबाइल का एग्जाम्पल दिया था इससे पहले भी, कि मैंने 30,000 का मोबाइल खरीदा और सिर्फ 5,000 रुपये मैंने 5 साल बाद अपने मोबाइल को 5,000 रुपये में बेचा, तो 30,000 की चीज़ को मेरे को अब सिर्फ 5,000 रुपये में मिल रही है, तो डेप्रिसिएशन कितने का हुआ? मतलब इसका कीमत कम क्यों हुआ? 30,000 की चीज़ 5,000 में क्यों बेचनी पड़ी? क्योंकि मैंने 5 साल तक उस मोबाइल को इस्तेमाल किया, तो वियर और टेयर की वजह से उसका डेप्रिसिएशन हुआ, इसी की वजह से मेरे को 30,000 का मोबाइल 5,000 में बेचना पड़ रहा है। तो क्या मेरा डेप्रेशन पूरे 30,000 रुपये में हुआ? नहीं, क्योंकि 30,000 की चीज़ मेरे को 5,000 रुपये में मैंने बेची, तो 5,000 रुपये तो मुझे मिले। अगर मुझे 1 रुपया नहीं मिलता तो मैं ये बोलती कि हाँ 30,000 का डेप्रेशन हो गया पूरा, लेकिन 30,000 की चीज़ के लिए मुझे 5,000 रुपये देने पड़े, यानी 5,000 रुपये मुझे मिले जब मैंने उसको बेचा, तो 30,000 में से 5,000 माइनस कीजिए 25,000, सिर्फ 25,000 रुपये का ही डेप्रेशन हुआ। तो उसमें हम डेप्रेशन ही कैलकुलेट करते हैं, तो किस अमाउंट का डेप्रेशन हुआ है हमें वो देखना पड़ेगा। उसके लिए क्या करते हैं कि 60,000 तो मुझे कॉस्ट है, पर मेरे को 10 साल बाद 5,000 रुपये मिले, 6,000 रुपये मिले, नहीं मिले थे 6,000 रुपये, पर वो 1,000 रुपये मैंने मिनी ट्रक वाले को दिए, तो इसकी वजह से मेरे पास जो मेरी पॉकेट में जो बचा वो बचा 5,000, यानी 60,000 की चीज़ में से मेरे पास सिर्फ 5,000 रुपये मुझे मिले 10 साल पर। तो 60,000 में से 5,000 माइनस करेंगे, यानी कॉस्ट में से नेट रिजल्ट वैल्यू को माइनस करेंगे, यानी 60 माइनस 5 कितना हो गया? 55,000। तो 55,000 का ही डेप्रिसिएशन हुआ है, कितने? 10 सालों में, ठीक है? तो डेप्रिसिएशन हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं ईयरली डेप्रिसिएशन, तो उसके लिए हमें देखना पड़ेगा टोटल डेप्रिसिएशन कितना हुआ है, जो कि 55,000 का है। तो 55,000 का डेप्रिसिएशन हुआ है, और कितने साल इसका यूजफुल लाइफ है? 10 साल। तो 55,000 का डेप्रिसिएशन 10 सालों में हुआ है, इसको ऐसे बोलेंगे 55,000 का डेप्रिसिएशन मुझे 10 सालों में हुआ है। तो 55,000 को अगर मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो कितना आ जाएगा? 5,500, यानी 1 साल का डेप्रिसिएशन 5,500 है। इसी तरह से आप 5,500 को 10 बार आप ऐड कीजिए, क्योंकि ये तो 1 साल का है, ऐसे ही 10 साल तक ये मशीन चलिए, तो 5,500 को आप 10 साल तक ऐड कीजिए, या सीधे ही 5,500 को आप 10 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना आएगा? 55,000। तो यानी ये 55,000 का डेप्रिसिएशन मुझे हर जो है 10 सालों में हुआ है, और हर साल कितने रुपये का डेप्रिसिएशन हुआ है? वो है 5,500 का, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन मेथड है, तो इसमें जो डेप्रेशन अमाउंट है वो हर साल इक्वल रहता है। चाहे आप पहले साल बोले मुझे कितने का डेप्रेशन हुआ, मैं बोलूँगी 5,500, फिर आप दूसरे साल पूछेंगे तब भी 5,500, 5वें साल तब भी 5,500, 8वें साल तब भी 5,500, और 10वें साल तब भी 5,500, यानी हर साल इक्वल अमाउंट का डेप्रेशन आपका होता है। और एक और बात आपको याद रखनी कि 60,000 भले ही आपको कॉस्ट पड़ी है, पर जब आप मशीन बेचेंगे तो उस 60,000 में से भी आपके पॉकेट में 5,000 रुपये आएंगे, तो आपके लिए डेप्रेशन कितना हुआ? 60,000 माइनस 5,000, यानी कि 55,000, ठीक है? इसलिए इसको माइनस किया गया, और इसको फॉर्मूले में भी ऐसा दिया गया, कॉस्ट माइनस नेट रिजल्ट वैल्यू। हमेशा जब भी हम डेप्रेशन कैलकुलेट करते हैं तो उसी पे कैलकुलेट करते हैं जो एग्जैक्ट अमाउंट है, कितने का डेप्रेशन हुआ है। जैसे मैंने मोबाइल का एग्जाम्पल दिया कि 30,000 का मोबाइल 5,000 में बिका है, यानी 25,000 रुपये का डेप्रेशन हुआ है 25,000 का। तो हम जब भी डेप्रेशन कैलकुलेट करेंगे 25,000 रुपये में कैलकुलेट करेंगे, ना कि 30,000, क्योंकि अगर हम 30,000 में करेंगे तो वो रॉन्ग कैलकुलेशन होगा, ठीक है? तो यहाँ पर भी डेप्रेशन हमारा भले 60,000 का हमने खरीद हमें वो मशीन पड़ी और 5,000 हमारी पॉकेट में वापस आ गए, तो सिर्फ 55,000 का डेप्रेशन हुआ, और 10 सालों तक हमने इसको यूज़ किया, 10 साल इसका यूजफुल लाइफ है, तो 10 से हम उसको डिवाइड करते हैं। तो स्ट्रेट लाइन में बहुत सिंपल है, जो भी डेप्रेशन अमाउंट है उसको हम डिवाइड करते हैं कितने साल है, तो उससे हमें पता लग जाता है कि कितने हर साल का कितना डेप्रेशन है, और हर साल इसमें इक्वल अमाउंट का डेप्रेशन होता है, किसमें? स्ट्रेट लाइन मेथड से। इस वाले वीडियो में हमने दो मेथड देख लिए, जो सम ऑफ ईयर डिजिट और स्ट्रेट लाइन, ये पूछते हैं, इनको एक बार आप देख लीजिए, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।